जो आज क्वेश्चन करवाऊंगी वो 6 मार्क्स में आए हैं, और भी जो रिएक्शंस करवा दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ज़रूर देखना। सो आज हम पढ़ेंगे लेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है सेमेस्टर 2 के लिए, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपलोड करती रहती हूँ। सो देख लेते हैं, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में होगी, तो थोड़ी से जो है लाइंस को मैंने इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए हिंदी यूज़ की है, उसको आपने एग्जाम में वैसे नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। तो देखते हैं, इट इज़ ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट ऑफर अ पावरफुल मेथड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में एक पावरफुल मेथड देती है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। एंड इसमें होता क्या है, अलाइल एंड विनाइल ईथर कन्वर्ट होते हैं किसमें, गामा एंड डेल्टा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में। एंड इसमें क्या क्या यूज़ होता है, एक हीट दी जाती है एंड एक लुइस एसिड यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू गामा एंड डेल्टा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ अलाइल एंड व्हाट इज़ विनाइल। सो देखते हैं कि अलाइल क्या होते हैं एंड विनाइल क्या होते हैं। सो आपको इजी हो जाएगा आगे की रिएक्शन को समझना एंड मैकेनिज्म को समझना। सो इतना आपको क्लियर है कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है एक बहुत पावरफुल मेथड से, एंड अलाइल एंड विनाइल ईथर जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में, एंड कैटलिस्ट जो होते हैं वो हीट और लुइस एसिड होता है। सो इसमें होता क्या है, एक अरेंजमेंट होती है, बॉन्ड्स टूटते हैं, टूट के अपने आप को दूसरी जगह पे अरेंज कर लेते हैं, तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस क्लेजन रीअरेंजमेंट। अलाइल एंड विनाइल का आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं, एंड ये स्ट्रक्चर में दोनों सिमिलर होते हैं। डिफरेंस होता है कि एलिन में 3 कार्बन्स होते हैं एंड 5 हाइड्रोजन्स होते हैं, एंड ऑन अदर हैंड विनाइल ग्रुप में जो है 2 कार्बन्स होते हैं एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सो यहाँ से हम उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर भी लिखा है आप रीड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ऑफ ग्रुप फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन, एंड यहाँ से क्या होता क्या है मेन रिएक्शन में, इनमें ग्रुप्स जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं अपनी जगह से, ग्रुप को हम बॉन्ड भी बोलते हैं, वो कहाँ से शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन से कार्बन तक जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड एंड अंडर कॉन्जुगेट सिस्टम। अंडर कॉन्जुगेट सिस्टम होता है कि अपने ही जो एक मॉलिक्यूल के बीच में रहें, दूसरे रिएक्टेंट को इन्वॉल्व ना करें, शिफ्टिंग जो होगी वो एक अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर होगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अंडर कॉन्जुगेट सिस्टम। एंड इसमें जो होते हैं अलाइल एंड विनाइल, विच इज़ ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो इसकी एग्जाम्पल में अलाइल विनाइल ईथर भी आती हैं एंड फिनाइल वाली ईथर्स भी आती हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अलाइल विनाइल ईथर्स एंड मैकेनिज्म। सो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप ज़्यादा कंटेंट देना चाहते हो एग्ज़ाम में तो आपने दोनों रिएक्शंस करनी है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक करवा रही हूँ। अगर आपको एक आ जाती है, जहाँ से भी आप पढ़ोगे अपने नोट्स से या बुक से, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी कंसंट्रेशन देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलाइल विनाइल ईथर, तो यहाँ पर अलाइल ग्रुप भी है, विनाइल ग्रुप भी है और ईथर भी है, ठीक है। तो क्या दिया हमने, जो पिंक कलर का है वो है हीट, एंड जो ब्लू कलर का ल्यूइस एसिड दिया है, जिससे वो कन्वर्ट हो गया है गामा एंड डेल्टा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो थी कुछ ऐसी थी जब रिएक्टेंट के फॉर्म में थी, बट जब वो प्रोडक्ट बना तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, जो ऊपर वाली लाइन अगर आप रीड कर रहे हो, शिफ्ट हुए हैं, जो आपको मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। सो मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म दिस इज़ अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें एक्सोथर्मिक नेचर है, एक्सोथर्मिक होता है जो बाहर को एनर्जी रिलीज करे, एंडोथर्मिक होते हैं जो एनर्जी इन्वॉल्व करे। इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि दिस इज ऑनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सो दैट्स वाई वी कॉल दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
सो यहाँ पर हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे एलाइल विनाइल ईथर का। तो आप देख सकते हो एलाइल विनाइल ईथर यहाँ पे ड्रॉ किया है एंड ये जो है एरोस शो किए गए हैं मतलब इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, मतलब वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। इससे पहले वो जाएंगे ट्रांजिशन स्टेट में, तो जहाँ पर क्या होगा सारा सर्कल गोल लगा, तो मतलब हर जगह से वो बॉन्ड्स टूटने थे एंड रीअरेंज होने थे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो ये वाला एंगल था बॉन्ड था वो उधर को शिफ्ट हुआ है एंड जो ऑक्सीजन वाला था वो नीचे डाउनवर्ड जा रहा है एंड जिसके कारण वो दूसरा फॉर्म गेन करेगा। इसको आप पहले ड्रॉ करिए फिर देखिए एरोस को ध्यान से, देन आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फिर भी मैं अगेन आपको समझा देती हूँ, जैसे ये देखिए ये वाला बॉन्ड क्या उधर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट इन दिस पार्ट एंड लेटर दे विल कन्वर्ट इन टू द गामा एंड डेल्टा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। सो ये जो बॉन्ड है वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से ये वाली स्पेस बन जाएगी एंड वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी आप दोबारा देख लेना, प्लीज़ ध्यान से समझना सारा टॉपिक आपने, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी नहीं है कि सेम टू में है, जैसे हमारा सेम टू में आया है आपका मे बी आपके सेम थर्ड सेम फोर सेम फर्स्ट में भी आ सकता है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड फ्यूचर टाइम में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ से समझा रही हूँ, आपने अच्छे से समझ लेने। अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इसमें सारी जो हो रही है क्या शिफ्ट हो रहे हैं बॉन्ड्स एंड रीअरेंज कर रहे हैं। तो ये वाला बॉन्ड जो शिफ्ट हो गया तो ये वाला बॉन्ड बन गया एंड जब ये वाला ऊपर वाला ऑक्सीजन वाला बॉन्ड करेगा ट्रांसफ़र तो हमारे पास स्पेस बन जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लेकर वो साइड हो जाएगा और सामने से जो है वो स्पेस बन जाएगी, तो वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और सामने स्पेस बन जाएगी एंड जो यहाँ पर बॉन्ड एक रह गया था डबल बॉन्ड वाला वो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाएगा एंड सॉरी राइट हैंड को शिफ्ट कर जाएगा एंड वो कंप्लीट हो जाएगा उधर वाली साइड से एंड स्पेस बन जाएगी। ये वाला आपने इंक्लूड नहीं करना है, मैंने बाय मिस्टेक इसको ड्रॉ कर दिया था, जो ऑक्सीजन है वो अब जो ग्रीन कलर से मार्क है वही ऑक्सीजन है एंड दिस इज गामा डेल्टा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। एंड इसके आगे आप देख लेते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेश्चन, सो यू कैन अटेम्प्ट वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी और रिएक्शंस हैं, आपको गूगल से भी मिल जाएंगी एंड बुक्स एंड नोट्स से भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आप दूसरा समझ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आप उसके नोट्स प्रोवाइड करूं, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, एंड अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, कैटलिस्ट कौन कौन से हैं एंड कैसे वो वर्क करते हैं। इन दिस ये रिएक्शन में हीट जो है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करती है। हीट पड़ने से ही जो एलाइल विनाइल ईथर है वो ट्रांजिशन स्टेट में आ जाते हैं एंड वो जो रिएक्शन होती है वो होती है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन क्या होती है, एंड ये बता दूँ कि ये रिएक्शंस भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर तो मैं जस्ट आपको हिंट दूंगी, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है, तो आप कमेंट्स में बता देना, लेकिन वीडियो जिसने पूरी देखी है उसको ही पता लगेगा कि मा ट्रॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, आगे से वीडियो देख लेते हो या फिर स्किप कर देते हो, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वीडियो पूरी देखा करें। सिग्मा ट्रॉपिक क्या है, एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है इन विच वन सिग्मा बॉन्ड इज रिप्लेस्ड विद अनदर। दो दो सिग्मा बॉन्ड है, ए का सिग्मा बॉन्ड जैसे ए सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बी। अब जो सिग्मा तो दोनों ही बॉन्ड है, ए वाला जो है बी की जगह पे आ गया एंड बी वाला ए की जगह पे आ गया, ऐसी रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस को सिग्मोट्रॉपिक बोलते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेके आऊँगी, कनेक्टेड रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।